सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए हाउसफुल 4, और ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। सो अभी चलते हैं, जल्दी से मूवी देखेंगे। जल्दी से अभी हम जा रहे हैं, इसलिए हम रिक्शा लिए हुए हैं, तो पास नहीं है मतलब ऐसे, मतलब ऑलरेडी तो 10 मिनट लेट हो चुके हैं, तो 10 मिनट और लग जाएगा, तो टोटल मैं 20 मिनट लेट हो चुका हूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में इंजॉय करते रहें, और आप लोग को वीडियो पसंद आए, रिव्यू पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, चलिए हम चलते हैं, मूवी पहुँचते हैं। आपने हमारी जान बचाई? नहीं, हमने आपकी नहीं। बाला बाला शैतान का साला। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मूवी में मज़ा आया। दोस्तों बता दो, मूवी अभी जस्ट हम देख के निकले हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मूवी देखने में, और काफ़ी रापचिक मूवी है। दोस्तों अक्षय कुमार का डायलॉग एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है, डायलॉग ड्रामा ऑल अबाउट। दोस्तों बहुत ही कमाल का मूवी है हाउसफुल 4। अगर मैं रिव्यू करूँ पर्सनली, तो मैं 10 में से 9.5 नंबर में दे सकता हूँ। थोड़ा बहुत गड़बड़ है, बट दोस्तों ऑल अबाउट दोस्तों अक्षय कुमार था, बहुत ही शानदार मूवी है, और अक्षय कुमार के बिना हाउसफुल बन ही नहीं सकता, मतलब हाउसफुल का कोई भी सीरीज आ ही नहीं सकता। अगर दोस्तों अक्षय कुमार ही रहता हाउसफुल में, तो फिर मज़ा ही नहीं आता इस मूवी का। और दोस्तों ऑल अबाउट जो अगर देखा जाए, तो अक्षय कुमार का ही बहुत ही कंटाप रोल था, मतलब बहुत ही डायलॉग, बहुत ही मज़ा आया मुझे, मतलब हंसते हंसते तो पेट फूल गया दोस्तों, बता दूँ कसम से। तो दोस्तों अगर हम मेन करेक्टर्स की बात करें इस मूवी का, हाउसफुल 4 मूवी का, तो दोस्तों इसमें अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख एंड कृति खरबंदा, कृति सेनन एंड पूजा हिंगड़े, और साथ में दोस्तों यहाँ पे चक्की पांडे और जॉनी लिवर एंड गुरु रांधवा भी इस मूवी में है, और साथ में दोस्तों नवाज उद्दीन सिद्दीकी भी इस मूवी में, मतलब एक, मतलब वही एक मिनट के लिए आते हैं, मतलब बहुत ही कमाल का रापचिक डायलॉग मतलब उनका भी है। तो दोस्तों ऑल अबाउट दोस्तों बहुत ही कमाल का मूवी है बहुत। अगर मूवी के स्टोरी की बात करें, तो दोस्तों लुक लाइक दोस्तों बता दूँ आपको, बाहुबली की तरह इसमें बनाया गया। दोस्तों बता दूँ कि बाहुबली में कालकी मतलब गुंडा था, जो कि मेन रोल था गुंडा का, इसमें दोस्तों गामा है, और लुक लाइक दोस्तों जैसे कि सीतमगढ़ की मतलब हवेली आप लोग देख सकते हैं, लुक लाइक आपको बाहुबली का जैसे हवेली था मूवी में आप लोग देख सकते हैं, उसी तरह से इसमें भी है। और मेन जो रोल है दोस्तों अक्षय कुमार का, जो कि ज़बरदस्त है। स्टोरी की बात करें मेन रूप से, तो दोस्तों बता दो इसमें क्या होता है कि 600 साल पहले का इसमें कुछ दिखाया जाता है, मतलब अक्षय कुमार एंड बॉबी देओल, रितेश देशमुख का सबका जन्म होता है, मतलब जितने भी करेक्ट 600 साल पहले का, देन उसी का मतलब मृत्यु हो जाता है, मतलब गामा उमा गुंडा उंडा मतलब मार धार करने में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि फिर से पुनर्जन्म होता है, देन उसी में सबको याद दिलाने, मतलब अक्षय कुमार सबको याद दिलाने रहता है कि हम लोग का पहले जन्म हुआ था, मतलब उसी में मूवी मतलब क्रॉस हो जाता है। बट दोस्तों यहाँ हमारा कोई स्टोरी नहीं है, बट जो डायलॉग अक्षय कुमार का जो कॉमेडी, बस इसी से देख के दोस्तों काफ़ी मज़ा आया। बाकी बात अगर स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो कोई खास स्टोरी नहीं है, बस एक छोटा सा स्टोरी लिया गया, उसी में मतलब लंबा चौड़ा कर दिया गया। बट ऑल अबाउट दोस्तों अगर आपको हंसना है, तो आप इस मूवी का देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मूवी में। तो दोस्तों फाइनली मैं मूवी तो देख लिया हूँ, और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग मूवी देख के आए, तो आप लोगों को कितना मज़ा आया, आप लोगों को कौन सा डायलॉग ज़्यादा मज़ा आया, कौन सा डायलॉग आप लोगों को पसंद है, कोई डायलॉग अगर आपको आर्ट हो, कोई कॉमेडी, कोई जोक्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, रिव्यू पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा कि आगे से मैं मूवी रिव्यू लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ। कि दोस्तों मेरा फर्स्ट मूवी रिव्यू था, मैं सोचा कि दोस्तों ऐसा बहुत लोग डिमांड किया था कि आप मूवी रिव्यू भी करो, तो इसलिए दोस्तों फर्स्ट मूवी रिव्यू लेकर आया था आप लोग के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो देख के आएंगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों आप लोग जाएँ जल्दी से मूवी देखें, बुक करें, मतलब अगर हंसना है दोस्तों, मनोरंजन लेना है, तो आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइप के एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।